हरियाणा और राजस्थान की बहस या तो फेसबुक पर देखी और सुनी थी, या ये मजाक में एक दूसरे को छेड़ने के लिए ये बहस देखी जाती थी। लेकिन ये अब रियल लाइफ में और प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है। और ये मामला कोई ऐसा वैसा नहीं है, लोग इसे लेकर खूब मजे भी ले रहे हैं। फिलहाल हरियाणा और राजस्थान के सरकारी कर्मचारी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, दोनों के बीच जमकर जंग चल रही है। और ये लड़ाई हरियाणा रोडवेज वर्सेस राजस्थान पुलिस और राजस्थान रोडवेज वर्सेस हरियाणा पुलिस के बीच है। बता दें कि अगर हरियाणा की कोई सरकारी बस राजस्थान में जाती है तो राजस्थान पुलिस उसका रोक कर एकदम चालान काट देती है, और अगर कोई राजस्थान की सरकारी बस हरियाणा में या दिल्ली में जाती है तो उसका हरियाणा पुलिस एकदम से बड़ा चालान काट देती है। दोनों के बीच भाई साहब घमासान की लड़ाई जारी है। ये मामला रुकने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये लड़ आपस में रहे हैं और परेशान आम लोगों को होना पड़ रहा है। अब आगे डर भी ये सताने लगा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हरियाणा और राजस्थान के रास्ते कहीं बंद ना हो जाए, या ये आने जाने वाली बसें ही बंद ना हो जाए, क्योंकि दोनों के बीच वो वाला सीन चल रहा है तो आ तुझे बताऊंगा अभी। और झट से उसके हाथ में चालान की एक बड़ी सी पर्ची दे दी जाती है। हरियाणा और राजस्थान के लोगों में आपसी रिश्ते भी बहुत हैं। अब कुछ लोगों को अपने अपने ससुराल जाने की भी फिक्र जरूर हो रही होगी। वैसे अगर आप भी जा रहे हैं तो ध्यान से जाना, मामला गंभीर है और ये मामला बाइक्स तक भी पहुंच सकता है। ये मामला पिछले 2 दिनों से चल रहा है और पिछले 2 दिनों में हरियाणा पुलिस ने राजस्थान की 90 से ज्यादा बसों का चालान काट दिया है, और राजस्थान पुलिस ने भी हरियाणा की लगभग 30 बसों का चालान काट दिया है, और 4 बसें तो राजस्थान पुलिस ने इंपाउंड भी कर दी हैं। ये दोनों तरफ से चालान ड्राइवरों की वर्दी ना पहनने पर, कभी सीट बेल्ट ना लगाने पर, और कभी बस में ज्यादा सवारी होने पर काटे जा रहे हैं। बता दें कि दरअसल ये मामला शुरू हुआ था 2 दिन पहले, जब राजस्थान रोडवेज में सफर कर रही एक हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल से बस कंडक्टर ने किराया मांगा था, और हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल ने बस कंडक्टर को किराया देने से मना कर दिया था, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। कटती भी है वो, हमारी नहीं कटती है, ठीक है, लाओ 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है, हाँ लाओ 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हरियाणा पुलिस और राजस्थान रोडवेज आमने सामने हो गए। और हरियाणा में दाखिल होते ही राजस्थान की कई बसों के एक के बाद एक चालान काट दिए गए। इसके बाद ये बात जब राजस्थान पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने भी हरियाणा की बसों के चालान काटने शुरू कर दिए। दोनों तरफ से कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं, पता नहीं कब तक ये मामला थम पाएगा। गाड़ी नंबर दिखा, देखो भाई, इस गाड़ी का जो है 5-6 सवारी ज्यादा होने के कारण राजस्थान पुलिस जो है चालान कर रही है। सवारियों का कोई राजस्थान ही गड्ढा चालान करवाओ ना, ये लियो संभालो। लेकिन आम लोग परेशानी जरूर उठा रहे हैं। और हाँ दीदी, आप भी दे देती ना, 50 रुपए की ही तो बात थी। लेकिन यार ये भी कोई कंडक्टर बड़ा अड़ियल आदमी है भाई, तू ही स्टाफ की शर्म कर लेता, कम से कम ये सब तो ना देखना पड़ता। लेकिन इस सब के बीच मजे तो उन लोगों के हैं जो राजस्थान और हरियाणा की बहस में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। बहरहाल ये वाली जंग आपको कैसी लगी और इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।